LTS में, और अगर आप नए हैं तो फिर से मैं गुजारिश करूंगा आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे लाल बटन है सब्सक्राइब का, और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो भी ज़रूर कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। फिर से मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि जिन लोगों को देखिए बहुत सारे मुझे कॉमेंट्स आते हैं और उसमें लोग कई बार रिपीट करते हैं कि सर मुझे इस स्टॉक के बारे में बताइए, जिन पे मैं कई वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। और तो कृपया एक बार कमेंट करने से पहले आप अगर चाहें तो लिस्ट में, वीडियोस की लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने थंबनेल पे ही उनको उनका नाम मेंशन कर देता हूँ, जो भी स्टॉक या जो भी कंपनी होती है। तो आपके लिए भी सुविधा हो जाएगी और मुझे भी जो है अच्छा लगे, क्योंकि मैं जनरली जो अच्छी कंपनियां हैं उनके जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं तो मोस्टली बना रहा हूँ धीरे धीरे समय निकाल कर। तो आप ज़रूर हमारे वीडियोस देखते रहिए, और थैंक यू फॉर आप लोगों ने इतना प्यार और कमेंट्स लवली लवली दिए हैं। बढ़ते हैं आज का जो स्टॉक है, एक नई कंपनी जिसके बारे में मैंने पहले कभी अपने स्टॉक वो अपने चैनल पर वीडियो नहीं बनाया है, तो आज उस पर रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ पूरी दूंगा, और उस कंपनी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसका नाम है अंबिका कॉटन मिल्स। पहले हम प्राइस देख लेते हैं। आज 20 अगस्त 2019 मार्केट बंद हो चुकी है, BSE पे 838 रुपये के भाव पे है। तो ये नंबर थोड़े से लोगों को, बड़ी प्राइस का जो रिटेल निवेशक होते हैं उनको थोड़ा सा घबराने वाली बात होती है, लेकिन जब तक पूरा वीडियो आप ना देख लें, कोई भी निर्णय लेने पे आप कुछ भी सोचने पे आप मत सोचिए। तो पहले मैं डिविडेंड हिस्ट्री में, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो पे हर वीडियो में एक जैसा ही बताऊं, डिफरेंट तरीके से कुछ चीज़ें अलग कंपनी की मुझे अच्छी लगती हैं, किसी का डिविडेंड, किसी का बोनस, किसी के प्रोडक्ट्स, किसी का मैनेजमेंट, किसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और किसी की मार्केट कैप, इस तरीके से हर प्रकार के मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रिटर्न वाइज हो चाहे जो भी हिस्ट्री रही हो, अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले हम डिविडेंड पे आते हैं। डिविडेंड वो है जिन लोगों को शायद ना पता हो, कंपनी अपने जो शुद्ध लाभ होती है उसका कुछ प्रतिशत वो अपने निवेशकों के साथ शेयर करती है। अब वो कितना शेयर करती है उनके मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है, बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं जब उनकी मीटिंग्स होती है AGM की। तो यहाँ पे हर साल अगर देखिए 2018 यानी कि अभी 19 चल रहा है, फिर देंगे, इन्होंने पिछले साल दिया था सितंबर में, तो 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिए इन्होंने, 25 पर शेयर, कितना शानदार है। और एक माइक्रो कैप कंपनी, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो एक माइक्रो कैप कंपनी जो जनरली होता क्या, छोटी कंपनियां जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसको एक्सपेंशन में लगाती हैं, लेकिन अगर ये कंपनी अपने शेयर धारकों के साथ अपना लाभ जो है बांट रही है तो इसका मतलब इसकी नीयत थोड़ी अच्छी है। और पिछले वर्ष भी दिया इसने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 2016 में भी दिया 15 रुपये के हिसाब से, तो आने वाले समय में भी देना चाहिए अच्छा डिविडेंड। तो डिविडेंड वाइज बहुत अच्छी है। अब हम बेसिक चीज़ें कुछ और देख लेते हैं, मार्केट कैप वगैरह, जो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको मनी कंट्रोल की साइट पे, ताकि आप भी अगर खुद से भी कोई स्टॉक के बारे में जानना चाहें तो आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि पिछले, ये देखिए जो साल का लो था वो बना चुका है 835, यानी आज ही हाई था 1322, तो हाई से काफ़ी नीचे है, तो हाई से काफ़ी नीचे है। देखिए अगर चार्ट के पैटर्न में देखते हैं तो पिछले साल से ये गिर ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन इकट्ठा नहीं किया ऐसा सीधे गिर गया हो, स्लोली स्लोली डाउन है। तो देखते हैं आगे, उसका कारण भी पता चल जाएगा। कारण देख लिए, अगर कोई स्कैम नहीं हुआ या कोई ऐसा कोई बहुत बुरी खबर नहीं हुई या मैनेजमेंट को लेकर कोई इशू नहीं हुआ है तो इसका मतलब या तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए होंगे या कंपनी की ग्रोथ थोड़ा सा रुक गई होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनमें से कोई ना कोई चीज़ तो कमी रहती है, तब जाके, या फिर मार्केट भी देखा जाए तो पूरा सेक्टर या पूरा जो इंडेक्स होता है उसमें भी गिरावट का इन माइक्रो कैप कंपनीज पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटे लोग घबरा के बेचने लगते हैं। तो ये है, और अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो 479 करोड़ की, जाहिर सी बात है कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर कितना शानदार है, 105 रुपये। और उस हिसाब से जो प्राइस आज 800 समथिंग है, अगर हम उससे डिवाइड करते हैं
अर्निंग पर शेयर, तो पी रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 7.97, जो कि एक सस्ता नंबर लग रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी है 9.11 के करीब। बुक वैल्यू है इसकी 829 रुपये, यानी बुक वैल्यू से कितने आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 838। तो कंपनी की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू जो कंपनी की कीमत है, नेटवर्थ है, उसके आसपास से ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस। इसका मतलब जो है, अकॉर्डिंग टू दिस, मेरे हिसाब से नहीं, बुक वैल्यू के हिसाब से, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, प्राइस जो है काफ़ी सस्ता हो चुका है। लेकिन लेने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि प्राइस अभी और नीचे जाए, वो हम आगे देखेंगे फंडामेंटल देखने के बाद। प्राइस टू बुक जो रेशियो है, इसीलिए निकल के आ रहा 1.01 पर। और डिविडेंड यील्ड तो आप देख ही चुके हैं, डिविडेंड कितनी शानदार पे किया है उसने। फेस वैल्यू है अभी भी 10 रुपये की और डिलीवरी है 50% के आसपास। अगर हम इनके कर्जा वगैरह देख लेते हैं कि डेट वगैरह कैसा है, तो वो भी हम देखते हैं बैलेंस शीट पे। टोटल डेट है 88 करोड़ का, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम डिटेल्स पे देखते हैं इनके रिजल्ट्स, जो इनके नतीजे आए हुए हैं। हाँ, ये तो हम देख ही चुके हैं कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, 1988 से काम कर रही। आइए हम पहले वेबसाइट पे चलते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, कैसा मैनेजमेंट का क्या कहना है, किस प्रकार वो अपना बखान कर रही है। अबाउट अस में अगर हम चल रहे हैं, तो अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ कोयम्बटूर, मतलब साउथ इंडिया में कोयम्बटूर पे है, इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी कॉम्पैक्ट एंड इल ट्विस्ट कॉटन यार्न फॉर होजरी एंड वीवी। वी आर एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक यार्न मार्केट्स विद एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग roughly 60% of its revenues. The company was incorporated in 1988 and its four manufacturing units are situated in Dindigul, Tamil Nadu, with a total spindle capacity of 108,288 spindle, जो होते हैं उनके धागे में जो bundles होते हैं, of compacting system. तो जो सूत काटते हैं, धागा बनाते हैं जिससे, तो अब मैं अगर हिंदी में इसका अनुवाद अगर संक्षेप में करूं, तो ओवरऑल इनका मतलब यही कि इनका अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक यानी गणराज्य जो धागा ये बनाते हैं, जो शर्ट्स और टी शर्ट्स में इस्तेमाल होता है, प्रीमियम क्वालिटी का बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और रफली 60% ऑफ इट्स रेवेन्यूज, 60% जो रेवेन्यू आता है इनका एक्सपोर्ट से आता है, बाहर जो है माल बेचते हैं। Ambika Cotton Mills has the unique distinction of being the number one in the shirting segment and it's the preferred clients of all top quality shirt manufacturer around the world. मतलब एक अच्छे लेवल के टॉप क्वालिटी के जो है शर्ट्स टी शर्ट्स इनके धागों से बनती है, यही कहना है अगर मैं इसको दो लाइन में कहूँ। वी होल्ड अ वेरी नीच सेगमेंट इन द इंडस्ट्री एंड थैंक्स टू अवर इम्पैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिलीवरी फुलफिलमेंट, वी ऑल्सो टेक प्राइड इन जीरो कंप्लेंट्स। अच्छा, इनका ये भी कहना है कि हमारा जो प्रोडक्ट जब जहाँ जाता है, जहाँ बिकता है, तो हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें जीरो कंप्लेंट्स अभी तक आई है अपने क्लाइंट से, कोई भी कंप्लेंट आज तक नहीं हुई, शिपर्स एंड रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो भी इनको सप्लाई हो करते हैं। वी ऑल्सो टेक अवर गोइंग ग्रीन कमिटमेंट वेरी सीरियसली एंड प्रोड्यूस। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो प्रदूषण बहुत फैलाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको ज़बरदस्त मार पड़ती है, चाहे वो केमिकल की इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हों। तो इसी प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो अपने उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़े रिस्ट्रिक्शंस या कोर्ट की तरफ से उनको जो है जनहित में बंदिशें लगाई जाती हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम लोग 27.4 मेगावाट जो इलेक्ट्रिक इनका जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है जो ऑपरेट होती है, तो यहाँ पे सीरियसली एंड प्रोड्यूस ओवर 110% ऑफ इट्स पावर रिक्वायरमेंट। सब चीज़ इलेक्ट्रिक से बनता है, मतलब कोई धूल धक्कड़ या प्रदूषण, धुआं हुआ या डीजल वगैरह, ऐसा कुछ इनका जो भी प्लांट्स में नहीं है। क्लीन एंड विंड पावर विद इंस्टॉल्ड, अच्छा इन्होंने अब इंस्टॉल किया हुआ है विंड पावर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 27.4 मेगावाट। वी हैव 100% गवर्नमेंटल एंड लीगल कंप्लेंस रिकॉर्ड। वाह, चलिए ये तो अच्छी बात है।
अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पे, थोड़ा बेसिक चीज़ देख ही लेते हैं। देखिए, कुछ भी पैसा लगाने से पहले हमें मान लीजिए किसी स्टॉक के बारे में जानना है, किसी मैनेजमेंट के कंपनी के बारे में जानना है, तो पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। मैंने तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। वी मैनुफैक्चर 100% कॉटन कॉम्पैक्ट यार्न, काउंट्स वेयरिंग ऑफ 20s and 120s, कॉम्बेट विद गोज फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ प्रीमियम ब्रांडेड शर्ट्स एंड टी शर्ट्स ग्लोबली। ये तो देख चुके हैं। अगेन यहाँ पे इन्होंने फिर कहा है, और प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम वेरियस इंपॉर्टेंट इंडियन कॉटन, वी टेक प्राइड इन। अच्छा, ये भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आप समझ गए हो कि बेहतरीन टेक्सटाइल की कंपनी है जो धागे बनाती है प्रीमियम क्वालिटी की, और इनको 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, बाकी डोमेस्टिक से आता है। और आप मैनेजमेंट इनका बहुत शानदार है, जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पर पढ़ी हैं, बट बेसिक चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बता दूं। अब हम रिजल्ट्स की ओर, कि कैसे इनके फाइनेंशियल्स रहे हैं, नतीजे इनके किस प्रकार के रहे। अगर हम क्वार्टर फोर से मार्च 19 से जून 1 के उसमें कंपेयर करते हैं, तो नेट सेल्स में देखिए यहाँ पे डाउन साइड है। कितना है? 1.60% के, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8% की अपसाइड है। इनको जो ब्याज पे करते हैं वो भी कम हुआ है। शुद्ध लाभ जो है 3.45 यानी 4% की अपसाइड है, अच्छी बात है। और मार्जिन भी देखिए 1.75% की यहाँ पे इनको लाभ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर, साल दर साल हम देखते हैं जून 18 से जून 19 में, तो अगेन यहाँ पे जो नेट सेल्स में डाउन साइड है 7.22% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे करीब 8% से ज़्यादा की डाउनसाइड है। इंटरेस्ट भी इनका ब्याज बढ़ा हुआ है, और नेट प्रॉफिट में यहाँ 17% से ज़्यादा की इनको जो है लॉस हो रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा 0.33% की डाउनसाइड है। तो जो ईयरली है, ईयर ऑन ईयर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, क्वार्टर के भले ही अच्छे थे। तो इस ये भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि नेट सेल्स पे इनको ज़बरदस्त गिरावट है, तो नेट प्रॉफिट और ये सब चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। तो इस कारण से स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे भी आ चुका है, और मुझे ऐसा लगता है अगर यही स्थिति रही तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि और थोड़ी गिरावट आ जाए। क्योंकि माइक्रोकैप कंपनियों में जनरली जब पूरे बाज़ार में गिरावट होती है, तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। प्रमोटर्स के पास 50% के आसपास है। इसमें देखिए म्यूचुअल फंड्स FIIs हैं, इसमें 4.59% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड जीरो हैं, इंश्योरेंस जीरो हैं, अदर DIs बहुत ही कम है, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो 27% के आसपास हैं। तो अंबिका कॉटन मिल्स एक ऐसी कंपनी जो कॉटन से रिलेटेड है, और मैंने इसके आज फंडामेंटल आप लोगों को बताए। तो अगर हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 20% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, और सेल्स ग्रोथ है 5.67%, राइट। तो चलिए दोस्तों, जो इस स्टॉक के बारे में हमने बात की, और बस मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था एक नई कंपनी के बारे में जो इंडियन कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आप चाहें अगर जिसको इंटरेस्ट हो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का, तो मेरे विचार से जो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और रुकते हैं, कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स और देखते हैं, कुछ मार्केट को भी देखते हैं, क्योंकि मार्केट भी गिरावट है, और भी कई चीज़ें देखते हुए अभी फ़िलहाल इस कंपनी में निवेश की सलाह नहीं है। थोड़ा सा और वेट कर, बाकी फंडामेंटली अभी हमें अच्छी दिखी जिस प्रकार से ये काम करती है, इनका काम करने का तरीका, और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम क्वालिटी के, ये बहुत ही शानदार है। क्योंकि देखिए, फैशन से रिलेटेड जो खाने पीने की चीज़ें, ये परमानेंट नहीं होती। आप शर्ट पहनेंगे 6 महीने बाद बेकार हो जाती, फिर से आप नई खरीदेंगे, तो इनकी डिमांड जो है वो बनी रहेगी। कपड़ों की डिमांड, खाने पीने की डिमांड, लाइफस्टाइल की, फैशन की, तो ये मांग बनी रहेगी। बस समय समय पे कभी क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, कभी पूरे बाज़ार में गिरावट होती, डिविडेंड बहुत अच्छा पे करती हैं, वो देख के मेरी आंखें जो है थोड़ा चमक गई, और इनका जो फंडामेंटल काफ़ी, अर्निंग वगैरह, अर्निंग पर शेयर वगैरह भी काफ़ी स्ट्रांग था। आगे आने वाले समय में इनके किस प्रकार के नतीजे रहते हैं उसमें और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों में जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा गिरावट का असर देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।